यूक्रेन से वतन वापसी MBBS के छात्र का फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। बांदा जनपद में यूक्रेन से वतन वापसी में मिशन गंगा के तहत आए हुए MBBS के छात्र आलोक कुमार कश्यप का भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा और छात्र के पिता और अन्य लोगों के द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं परिजनों में खुशी की लहर दिखाई दी। बता दें कि बांदा जनपद की बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत ओगासी गांव का है, जहां पर ओगासी गांव में समगरा निवासी छात्र आलोक कुमार कश्यप पुत्र जागरूक कुमार, जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गया था, तभी रूस और यूक्रेन में भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिससे यूक्रेन में रह रहे छात्रों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं भारत सरकार से लगातार छात्र वतन वापसी की मांग कर रहे थे। भारत सरकार के सफल प्रयासों से आज उसकी वतन वापसी हुई। नव भारत समाचार बांदा से नंदू राम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। की टीम इस समय बांदा जनपद के अवगासी गांव आई हुई है। यहां पर यूक्रेन में MBBS पढ़ाई करने गया एक छात्र वतन वापसी आया हुआ है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहा है और कुछ बारे में जानते हैं कि वहां कैसे क्या हालात हैं। भैया नमस्कार। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक। आलोक जी, आप MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, कैसा का माहौल है वहाँ का? अभी तो काफी बुरा हाल है यूक्रेन का, कह सकते हैं क्योंकि हर जगह रशिया के ट्रूप्स हैं, रशियन ट्रूप्स हैं और आक्रमण हो ही रहा है हम लोग जानते हैं। और मतलब मेजरली कीव है, टर्नोपिल और खारकीव, ये तीन चार जगह हैं जहाँ ज़्यादा मतलब कटा रही है। हेलो जी, किस प्रकार की समस्याएं आ रही थी वहाँ पे, जैसे कि युद्ध के हालात बने हुए हैं, लगातार गोलाबारी हो रही है? समस्या पहली बात तो युद्ध में लोगों का वैसे भी लड़ाई हो जाता, थोड़ा सा आदमी भागने लगता है, ये का पैसे निकालना है, ये राशन इकट्ठा करना है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लिए भाग कर लो। और मेन बात ये रहती है कि जैसे हम लोगों के लिए है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि कैश निकलता नहीं जल्दी, कैश निकालने के लिए लंबी लाइन लगाना पड़ता है। जब मैं और बंदी हो गया था खाने पीने की व्यवस्था कैसी का हो रही थी? खाने पीने की व्यवस्था की थी, हम लोग खरीद लिए थे 2-3 हफ्ते का, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि जैसे मिसाइल विसाइल कटाए तो ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें निकलना ही था, तो हम लोग प्राइवेट बस करके निकल लिए वहाँ से। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि वो भी कैब बस बुक करेगी तुम लोगों के लिए, लेकिन कुछ की नहीं की थी लास्ट में, एक बार सब तब पर निकल चुके थे सब। लोग जैसे कि युद्ध के हालात बन रहे थे, कि पहले से एडवाइजी जारी हुई थी कि नहीं? कुछ नहीं, पहले से कोई ऐसे एडवाइजी नहीं थी, मतलब ये चल रहा था कि थोड़ा थोड़ा चल रहा, तो वैसे जनरली सोचा जा रहा था कि नहीं होगा, तो एडवाइजरी वैसे कुछ विशेष निकली नहीं थी। हमारी एम्बेसी ने बताया था कि मतलब जैसे तुम जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो अपने किस्त पर, ऐसा कोई विशेष नहीं। फिर जब ज़्यादा टेंशन बढ़ गई तब अचानक से एम्बेसी ने जारी किया कि और जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। तब हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन चल रही थी, क्लास जाना पड़ता था ऑनलाइन के लिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट था निकलना हम लोगों के लिए। हेलो जी, भारत के कितने छात्र लगभग फंसे होंगे वहाँ अभी और किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? हालात तो काफ़ी कंडीशन ख़राब है, सब अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था बना रहे हैं किसी तरह निकलने, किसी तरह से। और अभी तो गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही ठीक से, बस बुकिंग वाली चल रही है, ट्रांसपोर्ट बंद ही है। क्या लोग जी वहाँ पर बंकरों वगैरह में ऐसे शरणार्थी छुपे हुए हैं, मतलब शरण लिए हुए हैं? हाँ, बंकर ज़्यादातर लड़के बंकर में ही हैं, जैसे खारकीव में बंकर में ही रह रहे हैं, बंकर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनका ही बॉर्डर की तरफ। और कीव में तो बहुत बुरा हाल है, टर्नोपिल में भी बच्चे किस तरह जान बचा के कैब करके किसी तरह से भाग रहे हैं, पूरी लाके वहाँ से जगह छोड़ रहे हैं। आलोक जी, वहाँ से किस प्रकार से निकले हैं आप? हम लोग तो प्राइवेट बस किए थे, बुक किए थे, उसमें से आप आए बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर के रास्ते में पहले छोड़ दिए थे, लाइन में लगना पड़ा हो। हेलो, जैसे कि हमें मालूम है कि तिरंगा झंडा लगाकर जो लोग वापसी आ रहे थे, क्या तुमको आने दिया जा रहा था, तो क्या है? नहीं, एक्चुअली एडवाइजरी जारी की गई थी हमारे एम्बेसी द्वारा, जो भी बस जा रही है बॉर्डर की तरफ उसको कंपलसरी था कि झंडा लगाना ही लगाना है।
अदरवाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मतलब एक तरह से ये देखा जा रहा था कि लगा के चलोगे तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, ना लगाने पर कोई भी कुछ भी कह सकता था, कोई रोक सकता था। लोगों की क्या मानना है भारत सरकार मतलब सभी छात्रों को लाने में कामयाब हो रही है कि किस तरह का चल रहा है वहाँ? मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, कामयाबी है, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी करना चाहिए। जैसे कि आरक्यू में 3-4 लड़के मारे गए अभी इंडियन, मतलब तो कह सकते कि थोड़ा जल्दी होता तो वो भी बच सकते थे। रूस आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं इधर उधर, बम आ रहे हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट है। हेलो जी, वतन आपसे मैं आकर आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सब सब खुशी तो आई है। तक जब थी जब तक हम लोग बॉर्डर नहीं क्रॉस किए, जैसे बॉर्डर क्रॉस किए तब दिक्कत खत्म हो गई, कोई टेंशन नहीं। अब ये था कि घर पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो टेंशन खत्म। अभी आपके साथ में कितने छात्र फंसे होंगे? मेरे हिसाब से तो अभी एक दो फ्लाइट आई हैं वहाँ से, तो लगभग नहीं तो अभी तो ज़्यादा 70% लोग फंसे होंगे। नहीं नहीं, आज वहाँ पे यूक्रेन में किस तरह का माहौल है अभी? अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब है, हर जगह मिसाइलों से अटैक हो रहा है और बहुत बुरा हाल है। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए कैसी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आप लोगों की? व्यवस्था तो काफ़ी बढ़िया है अभी। क्या क्या है? क्योंकि हम लोग वैसे बॉर्डर क्रॉस किए ना, तो वहाँ से एम्बेसी की गाड़ियाँ थी जो शेल्टर ले जा रही थी, कुछ को एयरपोर्ट डायरेक्ट ले जा रही थी, कुछ को एयरपोर्ट वाली मिल रही थी वो डायरेक्ट एयरपोर्ट चला जाता था, कुछ को शेल्टर ले जा रही थी। वहाँ के जो रोमानिया पीपल थे, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन था बढ़िया था, मिला के वो बहुत हेल्प मिला, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ व्यवस्था कर देते हैं शेल्टर बढ़िया। राजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन से लौटा हुआ छात्र आलोक कुमार जी से बातचीत के दौरान ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पर बहुत डर का माहौल हुआ है और वतन वापसी आकर यहाँ पर बहुत खुशी महसूस कर रहा है। नवभारत समाचार से नंदूराम चतुर्वेदी बांदा। आपका बच्चा वहाँ से आया है यूक्रेन से, वतन वापसी हुई है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देते हैं? अरे बच्चा वापस आए और खुशी ना हो, ये तो स्वाभाविक है कि सभी लोग, मैं ही नहीं सभी लोग परिवार, सरकार के कोष से रंग ला रही हैं क्योंकि 12,000 बच्चे लगभग निकल चुके हैं वहाँ से। क्या मानना है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये मिशन गंगा चलाया गया है सभी छात्रों घर वापसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का बहुत बढ़िया सफल ऑपरेशन है जिससे काफ़ी छात्रों को सहूलियत हुई निकलने में, अन्यथा की स्थिति में तो बड़ी दिक्कत हो जाती शायद अगर मिशन गंगा ना होती। ठीक, मेरा नाम राजकुमार मंडल। अच्छा राजकुमार जी, यहाँ पे आप एक छात्र को लेके वापसी आए हैं, तो कहाँ से लेके आए हैं और किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं जो वापसी लाने में? हम जो है दिल्ली एयरपोर्ट से उठाए हैं इनको। अरे भाई, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उठाए पीटीजी से जी, और इनको यूपी भवन लेके गए, वहाँ जो इनको फ्रेश हुआ, खाना वाना खाए, उसके बाद जो है 2 घंटे बाद जो है यहाँ इनके लिए हम ले आए। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं दी गई लाने में इनको? हर सुविधा है इनके, इनको सारा सुविधा जो भी होना चाहिए, फ्लाइट का भी सुविधा है, सबसे पूछा जाता है फ्लाइट से। तो एक गाड़ी में कितने बच्चों को लगभग बैठाते होंगे? तीन बच्चे, चार पाँच। इसमें आप कितने बच्चों को लेकर? कहाँ कहाँ के थे? एक आगरा का जी, एक कानपुर के जी, और ये यहाँ का। ये गाड़ी कहाँ से डायरेक्ट चली है? दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट से चली है यूपी भवन, पहले दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर आए, फिर उसके बाद यूपी भवन में जो है खाना वाना खिलवा के 2 घंटे जो है रेस्ट किया है, उसके बाद लेकर आए। वैसे ड्राइवर साहब आपका नाम क्या है? राजकुमार मंडल। ठीक।